गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार गांव देहात के बीच जाकर ग्रामीणों के साथ चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहा है। गाजियाबाद लोनी ब्लॉक के टीला शहबाजपुर गांव में उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला, क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल कुमार सोनकर, लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने ग्रामीणों के बीच जाकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में गाँव के भावी उम्मीदवारों के साथ साथ अन्य ग्रामीणों को भी बुलाया गया और पंचायत चुनाव के मद्देनजर विभिन्न मामलों पर जानकारी एवं सुझाव मांगे। ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करने की बात कही। वहीं ग्रामीण भी प्रशासन को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए और सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को बताकर चुनाव के लिए सुझाव दिए। गांव टीला साहबाजपुर चौपाल लगाई गई थी, क्या उद्देश्य था, किस तरह की चौपाल लगाई गई थी? जो पंचायत चुनाव अब होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए हम लोगों ने चौपाल लगाई थी, जिससे सभी प्रत्याशियों को जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं संभावित प्रत्याशी, उनको हम लोग ये जागरूक करना चाह रहे थे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया हो। और मेरे और सी एस वाइप के द्वारा यही संदेश दिया गया है कि सब लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव कराने संपन्न कराएंगे। गाँव में चौपाल लगाई गई है, किस तरह की जो चुनाव आने वाले चुनाव को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह के जो सुझाव दिए गए हैं, जो गाँव के लोगों से बात की, किस तरह की बात आज आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा और उप जिलाधिकारी लोनी के द्वारा यहाँ मीटिंग की गई थी, जिसमें जो संभावित प्रत्याशी हैं उन और गाँव के अन्य लोगों से हम सीधे संवाद किया गया। चुनाव को लेकर हमारी जो तैयारियां हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया और उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। दूसरा ये है कि सुरक्षा को लेकर जो भी हमारी तैयारियां हैं, जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं इनसे गांव से, जैसे अवैध शराब और इस तरह की गतिविधियों को लेकर भी बात की गई कि इस तरह की अगर कोई शिकायत आ रही है तो अगर पीछे से भी हम लोगों को गोपनीय रूप से भी हमारे संज्ञान में लाया जा सकता है, जिससे हमें समय रहते हम कार्रवाई करें उस पर तेज़ी से। अभी तक कोई प्रतिकूल बात संज्ञान में नहीं आई है, हम तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और मीटिंग्स आगे भी करते रहेंगे। समय समय पर जो भी चीज़ें संज्ञान में आती रहें उनका हम लोग मिलजुल कर समाधान करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।